आदाब सलाम सत श्री अकाल हेलो अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड प्रातःकालीन नमस्कार एवरीवन। राष्ट्रीय सद्भावना और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए भदोही साइकिलिंग क्लब की तरफ से प्रत्येक रविवार को एक साइकिल यात्रा निकलती है जो दूर दूर जाके लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का कार्य करती है। उसी सीक्वेंस में उसी कड़ी में आज हम लोग की साइकिल यात्रा तहसील ज्ञानपुर आई हुई है और हम धन्यवाद देना चाहते हैं नायब तहसीलदार श्री प्रकाश सिंह सर का कि उन्होंने हम लोग का प्रपोजल स्वीकार किया और हम लोग की स्वास्थ्य जागरूकता अभियान साइकिल यात्रा में आए। तो बात करना चाहते हैं नायब तहसीलदार साहब से। सर, सुबह सुबह उठना शरीर के लिए कैसा है? बिल्कुल, सुबह सुबह उठना बहुत ही लाभदायक है और सभी को सुबह सुबह उठना चाहिए और हल्का हल्का व्यायाम भी करना चाहिए और साइकिल चलाना अपने आप में ही बहुत अच्छा व्यायाम है और जो लोग व्यायाम नहीं कर पाते हैं वो केवल साइकिल चलाएं, इससे ही आपको काफ़ी आपके रोग दूर होंगे और आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। हमारे आरटीओ साहब जब श्री राम सिंह सर आए थे हम लोग की साइकिल आते हैं तो उनका पहला जो शब्द था कि सुबह की हवा 100 रोगों की दवा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सुबह क्या है कि सबसे पॉल्यूशन कम होता है और ट्रैफिक भी कम होता है और इस समय साइकिल चलाने वालों को दिन में तो इतनी आराम से उनको नहीं चला पाते हैं तो सुबह वो साइकिल भी आसानी से चला लेते हैं, इसलिए सुबह उठना, अच्छी हवा लेना और साइकिल चला के व्यायाम करना दोनों ही हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। अब बात करते हैं गोपीगंज भदोही के मशहूर डॉक्टर और कह लीजिए पूरे पूर्वांचल के वो इकलौते ऐसे डॉक्टर हैं जो अपनी दवा के लिए ना कह के आपको सुबह उठने के लिए कहते हैं, योग व्यायाम करने के लिए कहते हैं, कसरत करने के लिए कहते हैं। तो बात करते हैं डॉक्टर एसएस यादव जी से। देखिए, सुबह उठना हमेशा लाभदायी रहा है और हमारे बुजुर्ग भी जो पुराने जमाने के लोग हैं सुबह उठते थे, व्यायाम करते थे, मेडिटेशन करते थे तो वो इतना स्वस्थ रहते थे और अच्छी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी थी। उसकी वजह है कि सवेरे सवेरे जो एयर में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और जब वो हमारे लंग्स में जाती है तो हमारे ब्रेन को एक्टिव करती है, हमारी बॉडी के सारे सेल्स को एक्टिव करती है, इसी वजह से हम दिन भर मतलब एक्टिव महसूस करते हैं और एनर्जेटिक फील करते हैं। बहुत बढ़िया, सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सवेरे उठे, क्योंकि साइकिल चलाना इसलिए भी लाभदायक होता है कि आप घर में एक्सरसाइज तो आप घर में बंद में करेंगे तो उतनी एयर नहीं मिल पाएगी और जब साइकिल चलाएंगे तो रोड पे आएंगे सवेरे 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 और खुले में सांस लेंगे तो वो और अच्छा होता है। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग कुछ न कुछ व्यायाम करें। थैंक यू डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि साइकिल एक ऐसा योग है कि जिसको करने के लिए आपको किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं है, ना ही किसी आपको पिच की जरूरत है, ना ही कोई ग्राउंड की जरूरत है। साइकिल एक ऐसा योग है जो अपने आप अपने घर के आंगन से शुरू करके कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जा सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया गोपीगंज के ब्रांच मैनेजर श्री अनिरुद्ध साहू जी से। ये भी हम लोग की हर साइकिल यात्रा में आते हैं। सभी को सुबह का नमस्कार। नमस्कार, और जो नहीं जगे हैं उनको भी नमस्कार। नमस्कार। सुबह सुबह उठिए और अपने लिए वक्त निकालिए क्योंकि आज का जो परिवेश है, वातावरण जो है अब पहले जैसा नहीं रहा। हम लोग भी क्या करते हैं, रात में देर से सोते हैं और सुबह भी देर से जगते हैं तो ये दिनचर्या हमारी खराब होती जा रही है तो इस वजह से हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता जा रहा है। और सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग उठिए और कुछ न कुछ व्यायाम, वर्जिश, योग, ये सब करते रहिए और इस यात्रा और मुहिम से जुड़िए। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो साइकिल चलाइए, पैदल चलिए, बहुत दूर नहीं जा सकते, थोड़ा वक्त बिताइए और आपके पास जब सुबह में वक्त रहेगा, आपका शरीर दिमाग सब स्वस्थ तंदुरुस्त रहेगा तो आप ज़्यादा एक्टिव होकर अपना दिनचर्या पूरा कर सकते हैं और जो आप काम करते हैं उसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बेहतर योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद। मैं साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि जितने लोग इसमें हैं मैक्सिमम सब जॉब में, नौकरी में हैं और जैसे ड्यूटी तो 8 घंटे की होती है लेकिन जो बड़े पोस्ट पर होते हैं उनकी ड्यूटी देखा है 9 घंटे 12 घंटे ड्यूटी हो जाती है तो परिणाम क्या होता है, 8 बजे 9 बजे रात वो घर पहुंचते हैं, खाना खाते हैं, सिर्फ सो जाते हैं और फिर सुबह 9 बजे 8 बजे ही उठते हैं और उठते ही वो डायरेक्ट जो है ऑफिस पहुंच जाते हैं तो उनको लगता है कि जिंदगी उनकी बहुत छोटी है, दिन 24 घंटा उनको लगता है कि इसमें हम व्यक्तिगत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आप 8 बजे उठ रहे हैं तो सूरज निकलने के पहले उठिए, कुछ ना कुछ योग व्यायाम करिए, शरीर से पसीना बहाइए तो उस दिन आपको अपने शरीर पर भी आप समय दे पाएंगे, अपने परिवार पर भी समय दे पाएंगे, आपको वही जिंदगी आपकी बड़ी लगने लगेगी और आप अपने हर कार्य को बढ़िया से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं यहीं से अपनी साइकिल यात्रा शुरू करते हैं।